आंदोलन के दौरान रेल चक्का जाम नई बात नहीं, ट्रेनों के ठहराव को लेकर भी आंदोलन होते रहे हैं। लेकिन बिहार के लखीसराय के बढ़िया स्टेशन पर 10 ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर हुआ आंदोलन जरा हटकर था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके पीछे बड़े कारण रसगुल्ला व देवी माँ का मंदिर था। ट्रेनों का ठहराव नहीं होने के कारण बढ़िया के प्रसिद्ध रसगुल्ले का व्यापार प्रभावित हो गया, तो मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी से स्थानीय बाजार में मंदी दिख रही है। इससे परेशान स्थानीय लोगों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। इस कारण करीब 32 घंटे तक हावड़ा दिल्ली रेलखंड पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहा। इतना ही नहीं, 74 ट्रेनों का परिचालन स्थगित करना पड़ा। 10 ट्रेनों के ठहराव की मांग को लिए ट्रैक पर जाम भी लगाया गया। दानापुर मंडल के बढ़िया स्टेशन पर रविवार से सोमवार की शाम तक 32 घंटों तक स्थानीय लोगों ने 10 ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर जाम लगाया। इस दौरान रेलवे को 84 ट्रेनों को दूसरे मार्ग से चलाना पड़ा, जबकि 74 ट्रेनों का परिचालन स्थगित करना पड़ा। 2 ट्रेनों को शॉर्ट सर्किट टर्मिनेट भी किया गया। आंदोलन के दौरान पटना व कियूल के बीच ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह ठप रहा। यह आंदोलन उन 10 ट्रेनों के पहले की तरह ठहराव की मांग को लेकर था जो कोरोना काल के पहले यहां रुकती थी। मंडल रेल प्रबंधक प्रभात कुमार ने बताया कि फिलहाल पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का पहले की तरह बढ़िया स्टेशन पर ठहराव दे दिया गया है। शेष 9 ट्रेनों के ठहराव पर विचार कर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।